In this problem, you are given a rod of mass 10 kg and length 1 meter. इसके एक एंड पर हम लोगों ने 15 kg का मास लटका दिया है, जबकि दूसरा एंड हिंज्ड है। इस रॉड को सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी लगा दी है, विच मेक्स एन एंगल 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आपसे इस स्ट्रिंग में टेंशन और इस हिंज का फोर्स पूछा गया, तो इसको निकालने के लिए हम इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस रॉड पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे? इस रॉड पे लग रहा होगा सबसे पहले यहाँ पर इसका वेट, इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल एम इज इक्वल टू 10 kg, और इसका 15 kg को बोल देता हूँ कैपिटल एम। तो यहाँ पे लगेगा नीचे की तरफ स्मॉल एम जी, और यहाँ पर लगेगा कैपिटल एम जी। इसके अलावा आपको इस रस्सी में टेंशन आएगा टी, इस तरीके से। और ये हिंज किधर फोर्स लगाएगा पता नहीं, इसलिए इस हिंज के फोर्स के दो कंपोनेंट लिख लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एफ एक्स और एक वर्टिकल एफ वाई। तो ये सिचुएशन है हमारी। अब इस सिचुएशन में हमारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मैं सिस्टम बोल रहा हूँ, सिस्टम इक्वल्स टू रॉड प्लस ब्लॉक। ये रॉड प्लस ब्लॉक सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन होती है? सबसे पहले तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करूँ तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से? एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये एफ एक्स, और टेंशन का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन है माइनस टी कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू टी कॉस 53 डिग्री। कॉस 53 डिग्री होता है 3/5, 3t/5। ये आपका इक्वेशन 1 है। अगर आप टेंशन निकाल लोगे तो इस हिंज के फोर्स का एक्स कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। अब बात करते हैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स जीरो। तो वाई डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? सबसे पहले तो ये एफ वाई लग रहा है, एफ वाई प्लस टी साइन 53 डिग्री इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, माइनस स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एफ वाई इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस टी साइन 53 डिग्री मतलब 4t/5। ये रहा आपका इक्वेशन 2। ये आपकी सिचुएशन है, ये आपके फोर्सेस, ये दो फोर्सेस की इक्वेशन। इसके अलावा आपका क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। तो टॉर्क जीरो की इक्वेशन लिखनी होगी। और सवाल ये उठता है कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क के जीरो होने की इक्वेशन लिखी जाए? तो ऐसे में एक बहुत ऑब्वियस चॉइस आती है, ये वाला पॉइंट ए, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट आपको ना तो एफ एक्स का टॉर्क लिखना है ना एफ वाई का टॉर्क लिखना है, मतलब दो अननोन फोर्सेस का टॉर्क आपको नहीं लिखना है। तो आपका ये आपकी जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें एफ एक्स और एफ वाई दोनों ही नहीं आएंगे, इसलिए हम इस पॉइंट ए के अबाउट लिखते हैं इक्वेशन टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ? मैं एक काम कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन के बाहर की तरफ वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ। मेरा साइन कन्वेंशन क्या है? मेरा साइन कन्वेंशन है आउटवर्ड्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो अपने आप क्या हो गया, आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ नेगेटिव हो गया, टॉर्क की डायरेक्शन स्क्रीन के अंदर की तरफ नेगेटिव हो गई। तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। बाहर के वाला टॉर्क निकालते हैं या हर फोर्स का टॉर्क निकालते हैं, स्मॉल एम जी का, कैपिटल एम जी का और टेंशन टी का। तो अगर टेंशन टी का टॉर्क निकालें तो मैं टेंशन टी के लिए क्या लिखूंगा? लिखूंगा एल मल्टीप्लाइड बाय एफ, या एफ की जगह लिखना चाहिए एल मल्टीप्लाइड बाय टेंशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब टी साइन 53 डिग्री हो जाएगा, ये बाद में लिखते हैं। ये इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन। आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके देख सकते हैं, इसका डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड्स।
और इन दोनों का स्मॉल एम जी के टॉर्क का और कैपिटल एम जी के टॉर्क का दोनों का डायरेक्शन होगा इनवर्ड्स, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ इसके लिए एम जी के लिए स्मॉल एम जी के लिए माइनस एल बाय टू इंटू स्मॉल एम जी। आप चेक कर सकते हो ये आपका टॉर्क है आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ, इसलिए इसको मैंने नेगेटिव लिखा है। सिमिलरली एम जी का टॉर्क कितना हो जाएगा कैपिटल एम जी का माइनस एल इंटू कैपिटल एम जी इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज टी परपेंडिकुलर क्या है, टेंशन का वो कंपोनेंट जो कि लेंथ इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दैट इज टी साइन 53 डिग्री। तो एल इंटू टी साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू एल इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय टू इंटू जी। ये आपका आ गया टॉर्क का इक्वेशन, यहाँ एल से एल चला गया और साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 4/5, मतलब क्या हुआ 4t/5 इज इक्वल टू कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कैपिटल एम है 15 kg तो हो गया ये 15 प्लस स्मॉल एम है 10 kg तो इसका m बाय टू हो गया 5 इंटू जी है 10। दिस इम्प्लाइज ये हो गया 20। दिस इम्प्लाइज टेंशन t इज इक्वल टू 20 × 10 200 × 5 1000 × 4 250 N। ये आ गया आपका टेंशन, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितना है 250 N। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया है स्ट्रिंग का टेंशन। अब अगर हम इसका यूज करें इक्वेशन नंबर वन में, इसको यूज करते हैं इक्वेशन नंबर वन में, तो हमें क्या मिलेगा, यूजिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन वन वी विल गेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3t/5 इज इक्वल टू 250 डाल देते टेंशन की वैल्यू तो आ जाएगा ये 150 N। दिस इंप्लाइज एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स आ गया 150 N। हिंज के फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है 150 N। हम अब इसी वैल्यू को टेंशन की इसी वैल्यू को डाल देते हैं यहाँ पर एफ वाई में, तो एफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ वाई इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, कैपिटल एम है 15 स्मॉल एम है 10, 25 इंटू जी कितना हो गया 250 माइनस 40/5 है 200, दिस इज इक्वल टू 50 N। तो एफ वाई आ गया 50 N। तो हिंज के फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 150 N और वर्टिकल कंपोनेंट है सिर्फ 50 N। तो इसलिए हिंज का फोर्स, फोर्स ऑफ हिंज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 50² + 150² दिस इज इक्वल टू 50 तो बाहर आ गया इंटू अंडर रूट ऑफ 1² + 3² √10 N। तो हिंज का फोर्स है 50 √10 N, टेंशन है 250 N। ये आपके आंसर्स हैं। अगर आपको हिंज के फोर्स के कंपोनेंट्स बताने हैं तो उसके लिए एफ एक्स है 150 N और एफ वाई है 50 N। ये सब मिलके आपके आंसर को कंप्लीट कर दें।